आ जाओ भाई, ले लो ताजे ताजे चटपटे चना जोर गरम। आ गए हैं चने वाले, जल्द से जल्द आ जाओ लेने के लिए, आ जाओ जल्दी जल्दी चले आओ। अरे राहुल योगी जी, लगा दू चटपटे चने? कैसे मुंह देख रहे हो? अरे मोदी जी, कोई लेना ले एक प्याली चने मुझे तो लगा दो, तुम्हारे चने देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। थोड़ा नींबू ज्यादा छिड़क देना चनों पर। अरे मोदी जी, कितने रुपए की चने की प्लेट है एक? जरा हमें भी दे दो। लेकिन एक बात साफ साफ कह देता हूँ, पैसे नहीं है अभी। लालू जी, यहाँ उधार का कोई चक्कर नहीं है, नगद लेना हो तो ले लो मेरे चने। भाई मजा आ गया मोदी जी आपका चना जोर गरम खाकर। थोड़ा सा नींबू और छिड़क दो ऊपर, छिड़क दो, बड़ा मजा आ रहा खाते हुए। क्या बात है मोदी जी। अरे मोदी जी, तुम लालू जी को उधार नहीं दे रहे हो चने, तो मुझे भी उधार नहीं दोगे? थोड़े से चने दे दो उधार, 2 रुपए के, बस मुंह चटपटा कर लूं, मुंह में से पानी आ रहा है। देखो योगी जी, चना मैं उधार किसी हाल में भी नहीं दूंगा। जब मैंने लालू जी को मना कर दिया तो तुम्हें भी उधार क्यों दूं? तुम अलग से थोड़ी हो कोई। और राहुल, कितना नींबू खाओगे? 5 रुपए के चने लिए तुमने और 50 रुपए का नींबू का रस छिड़क पा चुके अपने चनों पर। चलो मोदी जी, मुझे तो दे ही सकते हो चने, मेरे पास 50 पैसे पड़े हैं, 50 पैसे के चने दे दो एक छोटी सी प्याली में, मैं बिल्कुल उधार नहीं करूंगा। और भाई जितना पैसा है उतना ही लूंगा, मैं उधार क्यों करूं? आदमी के पास जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए। अरे अगले इतनी कम चादर भी मत फैलाओ कि ठंड में ठुटरते रहो। मेरा कहने का मतलब है, इतने कम चने क्यों ले रहे हो जिससे पेट ही ना भर सके? मैं तो दे ही दूंगा तुम्हें 50 पैसे के चने, लो ये लो चने। अरे राहुल मोदी जी, चने उधार नहीं दे रहे, कम से कम 2-4 चने तुम ही बढ़ा दो अपनी प्याली में से मेरे हाथ पर, लाओ दे दो, तुम्हारे चने खाकर ही मुंह चटपटा कर लूं। भाई क्या बात है, चना हो अगर तो मोदी जी के चने जैसा। वाकई में तुम्हारा चना बहुत ज्यादा जोर गरम है मोदी जी, मजा आ गया। अरे योगी जी क्या कर रहे हो, थोड़े चने दे दूं? लो ये ले लो, 2-4 ही चने दूंगा मैं तुम्हें, ज्यादा नहीं दूंगा। जेब में पैसे क्यों नहीं रखते हो? जब देखो तुम और लालू जी जेब खाली रखते हो, ये कोई बात नहीं होती। मोदी जी कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठी हो? खाओ खाओ जल्दी खाओ। अरे मैंने तुम्हारे लिए दम आलू पकाए हैं, जल्दी खाओ। अरे अखिलेश तुम भी नहीं खा रहे हो, सिर्फ मेरा बेटा राहुल ही खा रहा है, बस कोई खा ही नहीं रहा है। अरे खाओ ना, ये देखो मैं ताजे ताजे दम आलू बना के लाई हूँ, खाओ जल्दी जल्दी। और लौकी की सब्जी मैंने तुम्हारे पत्तल में परोस दी थी पहले ही। अरे लौकी की सब्जी खाओ, फिर मैं ये दम आलू निकाल के दूं, निकालूं दम आलू तुम्हारे पत्तल में। अरे सोनिया जी कैसी बात करती हो ये बताओ, ना तुम्हारी पूड़ी है ना चावल है, किस चीज से खाएं हम ये तुम्हारी सब्जी? अब लौकी की सब्जी खाली परोस के तुम पहले चली गई थी, अब दम आलू भी पका के ले आई। अब ये बताओ, जब तक कोई रोटी या चावल नहीं होगा साथ में, तब तक हम कैसे खाएंगे? भाई तुम्हारा बेटा राहुल तो खा रहा है, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा है, लेकिन हम कैसे खाएं बिना रोटी या चावल के? अरे राहुल अपनी मम्मी से कहूँ ना कि कोई रोटी या चावल बना के लाए, या तुम ही बना के लाओ। तुम यहाँ खाने के लिए बैठ गए साथ में, जब दामाद के लिए बुलाया है कम से कम इंतजाम तो पूरा किया करो। अरे मम्मी जी कैसी बेइज्जती करवाती हो सबके सामने, जब अपनों ने सब लोगों की दावत की है तो कम से कम पूड़ी और चावल तो बना के दो, खाली सब्जी खिला रही हो तुम मुझे भी। मैं तुम्हारी बात को टाल नहीं सकता, इसीलिए मैं अकेले खा रहा हूँ, और ये सब लोग खा ही नहीं रहे बिना चावल या पूड़ी के। अरे मेरे बेटे राहुल, ये बता घर में कोई चावल है? ना आटा है, कहां से पूड़ी चावल बनाऊं? मोदी जी यही खाली सब्जी सब्जी खा लो, समझे? दम आलू बहुत बढ़िया बनाए, इसी को खा लो। अरे सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया जी। हाँ बोलो अखिलेश, क्या बात है, क्यों चुपके चुपके बोल रहे हो? अरे सोनिया जी, हल्के हल्के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिना चावल या पूड़ी के मेरा पेट नहीं भरता। कल के बचे बचाए हो बोझ दे दो मुझे। माना कि आज तुमने पूड़ी और चावल नहीं बनाए, लेकिन कल के घर में बचे बचाए होंगे, बोझ दे दो मुझे, मैं बोझ खा लूंगा। अरे भाई अखिलेश, घर में कोई आटा और चावल नहीं है, हमने खुद कल सब्जी खाई थी, समझे? कुछ बचा हुआ नहीं है, ये जो सब्जी है यही खाओ और आराम से घर जाओ। और मेरा वादा है तुमसे, अगली बार दावत में पूरी चावल जरूर होंगे। कासे कबूतर? लेकिन मोदी जी, कासे तो कलकत्ता भी होता है, कासे कबूतरी क्यों पढ़ाते हो आप? ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। लालू जी तुम बातें ज्यादा करती हो, इसीलिए हमेशा 10 में से -2 नंबर लाती हूँ। तो मोदी जी 10 में से -2 नंबर मिलते तो है मुझे, 10 में से पूरे -10 नंबर तो नहीं मिलते मुझे। इसका मतलब मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहाँ से कबूतरी क्यों होता है, कहाँ से कलकत्ता क्यों नहीं होता? और कब तक हमें इस पेड़ के नीचे बैठाल के पढ़ाते रहोगे? फीस तो पूरी 100 रुपए महीना लेते हो। लालू जी बस कुछ दिन का इंतजार करो, लोन के लिए एप्लीकेशन डाल दी है मैंने, लोन पास होते ही एक छोटा सा कमरा बना लूंगा, उसी में तुम लोगों को पढ़ाया करूंगा। मोदी जी कमरा तो बनाना ही पड़ेगा,
कल बारिश आ गई थी, पूरा दिन आप हमें बारिश में ही पढ़ाते रहे और आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते कुछ थे, बारिश में भीग के बन कुछ जाता था, इसीलिए एक बिल्डिंग बनवा लो, उसी में हमें पढ़ाया करना, यहाँ नीचे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने में मजा नहीं आता। राहुल तुम्हें मजा नहीं आता, मुझे तो इस नीम के पेड़ के नीचे बैठने में और इसके नीचे बैठकर पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और लालू जी तुम कह रहे थे अभी के 100 रुपए महीना फीस देते हो, अरे तुमने साल भर के पूरे 100 रुपए जमा किए, तुम तो 10 रुपए महीना से भी कम फीस देती हो, 10 रुपए महीना फीस देती हो और बिल्डिंग में पढ़ने की बात करती हो। ये एक गरीब स्कूल है और इसमें पढ़ने वाले भी सब लोग गरीब हैं, तो इसी तरीके से पढ़ते रहो जैसे बैठ के पढ़ रहे हो। लेकिन मोदी जी अभी तो आप कह रहे थे कि लोन के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली है, लोन पास होने वाला है। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था तुम्हारा दिल रखने के लिए, यही पेड़ के नीचे पढ़ते रहोगे तुम हमेशा। पता नहीं आज अखिलेश पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया। अरे अखिलेश आ गया, अखिलेश इतनी लेट कैसे आए हो पढ़ने के लिए। मोदी जी अगर मैं जल्दी आ जाता तो जल्दी भी ऐसी कौन सी चीज आप मुझे पढ़ा देते। आपने कहाँ से कबूतरी पढ़ाया होगा, कहाँ से कानपुर थोड़ी पढ़ा दोगे तुम। अखिलेश टीचर से इस तरीके से बात करते, जाके नीचे जमीन में बैठो। वैसे अखिलेश पढ़ा तो मैं कहाँ से कबूतरी रहता। लेकिन मोदी जी आप तो कह रहे थे इस महीने बेंच ले आओगे, बेंच पे बैठ के पढ़ाया करोगे, नीचे जमीन में बैठे बैठे पैरों में दर्द होने लगता है। केजरीवाल जी ऐसी जमीन में नीचे बैठे रहो 10 रुपए महीना फीस में, तुम बेंच के ऊपर बैठ के थोड़ी पढ़ोगे, नीचे जमीन में ही बैठ के पढ़ो। तुम्हारे समोसों का स्वाद पहले अच्छा होता था, लेकिन दिन ब दिन तुम्हारे समोसों का स्वाद बेकार क्यों होता चला जा रहा है, क्या बात है। अभी मैंने एक समोसा तुमसे लेके खाया, बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत बेकार सा समोसा लगा। अब राहुल भाई को क्या पता मैं नकली तेल का इस्तेमाल करता हूँ, ये तो पीछे बैठे पड़े मुझे देख ही नहीं पा रहे। हाँ राहुल भाई क्या कह रहे हो, समोसा बेकार लगा। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे समोसे आज भी उतने ही स्वादिष्ट है। लो एक समोसा और खाकर देखो। राहुल कैसे खाऊं एक समोसा, अभी मैंने एक समोसा खाया वो तो अच्छा लगा नहीं, और मैं आता हूँ तुम्हारी दुकान के पीछे बैठ के एक समोसा खाकर चला जाता हूँ रोज, 2 समोसे तो मैं वैसे भी नहीं खाता हूँ। लानू जी देखा तुमने, देखा वो देखो कितनी दिन से मैं नजर रखा हुआ था, आज मैंने अखिलेश को कढ़ाई में नकली तेल डालते हुए देख ही लिया, और इसीलिए मैं तुम्हें भी साथ लाया था ये दिखाने के लिए कि अखिलेश के समोसे इसीलिए बेकार होते जा रहे हैं क्योंकि ये समोसे बनाने में नकली तेल का इस्तेमाल करता है। हाँ मोदी जी कह दो तुम ठीक रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, ये राहुल अखिलेश के पीछे बैठ के समोसा खा रहा है, इसे तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये नकली तेल में समोसे बना रहा है। हाँ लालू जी तुम सही कह रहे हो, राहुल को तो समोसे खाने से मतलब है, वो देख थोड़ी पा रहा है कि अखिलेश तो नकली तेल में समोसे बना रहा है। चलो लालू जी गाँव में चल के कहते हैं कि अखिलेश नकली तेल में समोसे बनाता है, चलो जल्दी चलते हैं गाँव में कहने के लिए। नहीं मोदी जी पहले अखिलेश से ही बात करते हैं, अखिलेश से बात करे। लालू जी अखिलेश से बात करने में क्या होगा, वो तो कहेगा मेरा तेल तो असली है, लेकिन जिस डिब्बे में से ये तेल कढ़ाई में डाल रहा है उस पे साफ साफ लिखा हुआ है नकली तेल। मोदी जी मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, अभी अखिलेश से कहता हूँ। अखिलेश ये क्या कर रहे हो तुम। अरे ये आवाज कहाँ से आई है, कौन देख रहा है मुझे, कौन देख रहा है। अखिलेश इस पेड़ के पीछे देखो, पेड़ के पीछे। अरे लालू जी वहाँ पेड़ के पीछे छुपके क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। अरे लगता है लालू जी ने मुझे नकली तेल कढ़ाई में डालते देख लिया, आप तो बड़ा दिक्कत हो गई, और साथ में मोदी जी भी है। अखिलेश नकली तेल का इस्तेमाल करते हो अपने समोसे बनाने में, तभी तो तुम्हारे समोसों का स्वाद बेकार होता जा रहा है। राहुल तुम पीछे बैठे बैठे समोसे खा रहे हो, आगे आकर देखो। तभी तो मोदी जी मैं कहूँ कि समोसों का स्वाद क्यों बेकार है, आज से मैं अखिलेश के समोसे खाऊं। मोदी जी कड़ी लेके पहले आ गए, पहले चावल तो भिजवाओ यहाँ पे, समझे चावल नहीं आए अभी हमारे पास। वहां पर लोग खाने लगे, देखो अखिलेश भी खाने लगा, सारे लोग खाने लगे, हमारे पास अभी चावल तक नहीं आए, तुम कड़ी लेके आ गए, कड़ी परोसने के लिए अभी से, चावल तो भिजवाओ यहाँ पर, खाली बैठे पड़े हैं हमें इतनी देर से। अरे पंगत उठने वाली है, उधर के लोग खा चुके और हमें अभी तक नहीं दिया है, तुमने चावल तक नहीं दिए हमें, यहाँ पर कड़ी लेके पहले आ गए हमारे सामने तुम। हाँ मोदी जी राहुल सही कह रहा है, हम कितनी देर से खाली प्लेट लिए बैठे पड़े। अरे क्या खाली कड़ी से खिलाओगे हमें, कड़ी लेके तुम पहले आ गए बाल्टी में, समझे परोसने के लिए। अरे पहले चावल तो परोसवाओ हमें, चावल लेके भेजो किसी को। अरे योगी जी और राहुल ज्यादा बातें तो बनाओ मत, परोसने वाला मैं इकलौता आदमी हूँ, अकेले ही काम करना पड़ रहा है मुझे, कोई आया ही नहीं है काम करने के लिए। मैं तुम्हें पहले कड़ी परोस देता हूँ, कड़ी डाल देता हूँ, फिर बाद को चावल ले आऊंगा, ऊपर से चावल डाल दूंगा, फिर कड़ी चावल मिला के खा लेना। पहले कड़ी तो लो प्लेट में अपने, आगे प्लेट करो केजरीवाल, आगे प्लेट करो तुम।
और लालू जी तुम अंदर कैसे दमे पड़े हो अखिलेश और राहुल के बीच में, तुम भी अपनी प्लेट आगे करो। लेकिन मोदी जी चावल के ऊपर कड़ी अच्छी लगती है, अब कड़ी पहले परोस दोगे ऊपर से चावल, कड़ी तो नीचे दब जाएगी, समझे। अरे केजरीवाल तुम्हारा भी मुंह खुल गया, इतनी देर से तुम खामोश बैठे थे, अगर कड़ी दब जाएगी तो क्या हो जाएगा। अरे खाना तो तुम्हें मिला के ही है समझे, कड़ी चावल मिला के ही तो खाओगे। अरे मोदी जी सही तो कह रहे हैं, क्यों बहस कर रहे हो मोदी जी से, अकेले काम करने वाले हैं वो। मोदी जी कड़ी मुझे दो, मुझे दो, मैं लेता हूँ सबसे पहले कड़ी। अरे अखिलेश ज्यादा सिफारिश मत करो, तुम तो पहले से ही कड़ी चावल खा रहे हो, ये केजरीवाल योगी जी और राहुल और लालू जी इन्हें नहीं मिली ये कड़ी चावल, तुम तो पहले से ही खा रहे हो और लेने के लपक में हो। अभी थोड़ी देर सबर करो, पहले ये प्लेट खाली करो, फिर तुम्हें कड़ी चावल दूसरे मिलेंगे। ज्यादा बातें मत बनाया, खाओ जम के खाओ, जम के खाओ, जितना खाओ मिले उतना खाओ। जो भी सब्जी है मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, अभी मैंने तुम्हारे लिए कड़ी चावल बनाए थे वो तुम खा रहे हो, अभी ये बना के लाए हो भगोने में करेले की सब्जी, अब तुम करेले की सब्जी खाना समझे। लेकिन तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो, ये बताओ खा क्यों नहीं रहे हो। अरे राहुल अखिलेश लालू जी योगी जी केजरीवाल कैसे एक दूसरे का मुंह देख रहे हो, कुछ तो बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अरे और कड़ी चावल चाहिए, कड़ी चावल मांग नहीं पा रहे हो इसीलिए मुंह देख रहे हो, या करेले की सब्जी दूं जो ये मैं बना के लाया हूं अभी भगोने में। अरे क्या मोदी जी मुझे एक बात बताओ, तुम खाना बनाना सीख रहे हो तो हमारी रोज दावत क्यों कर देते हो। अरे कल तुमने भिंडी की सब्जी बनाई थी, उसमें इतना तेल डाल दिया था कि घर जाके मेरी उल्टी होते होते बची। अब तुम हमसे पूछ रहे हो कि एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हैं, तुम्हें लग रहा है हम कड़ी चावल और मांग रहे हैं। अरे बड़ा मुश्किल से यही कड़ी चावल खा पा रहे हैं इसलिए मुंह देख रहे हैं हम, क्योंकि तुम्हारे कड़ी चावल में मिर्च के अलावा कुछ है ही नहीं। हम मोदी जी इससे ज्यादा खाना नहीं खा पाएंगे, कह देते हैं हम तुमसे, यही कड़ी चावल तुम्हारे नहीं खा पा रहे हैं और ऊपर से तुम करेले बना के ले आए। मुझे तो ये सोच सोच के हंसी आ रही है कि मैंने तुम्हारी इतनी मिर्च के ये कड़ी चावल खा लिए, सुबह शौचालय में क्या होगा। अरे मोदी जी ये बताओ, इतनी मिर्चें डालते हैं कड़ी में कि बिल्कुल खाए नहीं जा रही ये चावल, ऊपर से तुम करेले बना के ले आए, ये करेले अब तुम ही खा लो, हम नहीं खा पाएंगे भाई। अरे भाई मोदी जी मैं तो पानी पीते पीते परेशान हूँ, कितने गिलास पानी पी चुका समझे, लेकिन मेरे मुंह की मिर्ची खत्म नहीं हो पा रही है, इतनी मिर्ची डाली है तुमने कड़ी में। अरे तुम अपने हाथ से खाना बना क्यों रहे हो, क्यों सीख रहे हो खाना बनाना। अगर खाना बनाना सीख भी रहे हो तो हमारी दावत रोज क्यों कर देते हो, कभी तुम नमक ज्यादा कर देते हो, कभी मिर्चे ज्यादा कर देते हो, रोज का तुम्हारा यही सिस्टम है। कम से कम 5 दिन से तुम्हारी दावत खा रहे हैं हम। अभी राहुल बता रहा था कि कल तुमने भिंडी में इतना तेल डाल दिया कि उसकी उल्टी होते होते बची। ये तो भाई योगी जी उल्टा गजब बेइज्जती है, एक तो मैं तुम लोगों को रोज बुला के दावत पे खाना खिला रहा हूँ, अरे भाई खाना बनाना अभी मैं सीख रहा हूँ, मिर्च नमक तेल ऊपर नीचे हो जाता है, अभी कभी ज्यादा पड़ जाता है कभी कम पड़ जाता है, मेरी दावत से ऐतराज भी है और रोज खाने भी चले आती हो समझे। जब रोज दावत खाओगे तो थोड़ा नमक मिर्च आगे पीछे देखना ही पड़ेगा। लोगो जल्दी जल्दी चले आओ, जल्दी जल्दी चले आओ, सांप का खेल देखने के लिए जल्दी जल्दी चले आओ। अरे अखिलेश अखिलेश वहाँ कहाँ बैठी हो, थोड़ा सा अलग हट जाओ, तुम तो आगे घुस के बैठ गए, तुम्हें सांप के बराबर में बैठते हुए डर नहीं लगता। अरे इन भाई साहब को खेल दिखाने दो, तुम तो घुसे पड़े हो सामने। अरे नहीं राहुल भाई कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बैठने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। पहली बात तो मैंने सुना है जो इनके पास सांप होते हैं इनके दांत टूटे हुए होते हैं, क्यों भाई साहब मैं सही कह रहा हूँ ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हें इस सांप के दांत दिखाऊं, सारे के सारे दांत दिखा दूंगा अभी। ये हमारे पालतू सांप होते हैं, ये किसी को कुछ नहीं करते, इनके दांत और टूटे हुए नहीं होते, थोड़ा पीछे हट के बैठो, तुम तो घुसे जा रहे हो आगे। लेकिन भाई साहब बीन तो बजाओ, कम से कम बीन तो बजाओ तभी तो मजा आएगा, तुम्हारे साहब तो ये फन ऊपर करके खड़े पड़े, बीन बजाओ लहरे में तभी तो आएंगे ये। बीन भी बजाऊंगा सब कुछ बजाऊंगा, कम से कम जेब तो ढीली करो, सब लोग जेब में हाथ डाले हुए खड़े पड़े हो, कम से कम इस पेटी पे 5-5 रुपए डालो सब लोग। अरे मैं जिस गांव में भी खेल दिखाने के लिए जाता हूँ सांप का, वहाँ पर अच्छा खासा लोग इनाम देते हैं, लेकिन तुम लोग तो जेब ढीली कर ही नहीं रहे हो। लेकिन भाई साहब कोई ढंग का खेल दिखाओ तभी तो आप जेब ढीली करें, केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुमने तो सांप को सामने बैठा दिया, बीन ऊन तो बजाओ। मुझे लगता है लालू जी इनके पास बीन ऊन है ही नहीं, ये तो ऐसी कहीं से सांप को पकड़ना है और गांव गांव खेल दिखाते फिर रहे हैं। अच्छा भाई साहब तुम्हें सांप का खेल दिखाना इतना ही आसान लग रहा है, लो इस सांप को मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ पकड़ो। योगी जी इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो, ये भाई साहब आपके हाथ में सांप ऊप दे देंगे फिर डर के भागते नजर आओगे, जो भी खेल दिखा रहे हैं इनका खेल देखते रहो आराम से खड़े खड़े। किसी को मजा आए ना आए मुझे तो ये सांप का खेल देखकर बहुत मजा आ रहा है, लो मेरी तरफ से 10 रुपए इनाम लो भाई साहब। मनमोहन सिंह जी तुमने तो एकदम 10 रुपए का इनाम दे दिया, 10 रुपए के लायक तो इन्होंने सांप का खेल भी नहीं दिखाया। इस गाँव के लोग बातें ज्यादा करते हैं और सांप का खेल बहुत कम देखते हैं, अगर तुम लोग इतनी हिम्मत वाले हो
तो आओ सांप का खेल तुम दिखाओ यहाँ आके बैठ के। अरे नहीं भाई साहब, आप खेल दिखाओ, आप ही खेल दिखाते रहो। ये मनोहर लाल खट्टर तो बेफालतू की बात करते रहते हैं। आप अच्छा खेल दिखा रहे हो, हमें तो अच्छा लग रहा है। लो मैं भी 10 का नोट देता हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।